दोस्तों रेलवे से एक और नई खबर निकल के आ रही है। दोस्तों जी हां दोस्तों, एक और नई खबर रेलवे से निकल के आ रही है। दोस्तों रेलवे ने प्रवासियों से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार के अधिकारियों से संपर्क के बाद ही उन्हें स्टेशन पहुंचना है, वैसे दोस्तों उनको भीड़ जमा नहीं करनी है स्टेशन पे। तो दोस्तों ये आपको बहुत जरूरी बातें हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाने के केंद्र सरकार के फैसले से जहां विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों को राहत मिली है, वहीं रेलवे के लिए एक अजीब मुसीबत पैदा हो गई है। समस्या यह है कि लोग खुद ब खुद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने सभी प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए पर्यटकों और अन्य लोगों से अपील की है कि वह अपने आप स्टेशन नहीं पहुंचे, पहले अपने राज्य सरकार के अधिकारियों से संपर्क करें और उनके निर्देश पर ही स्टेशन पहुंचे। दोस्तों रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कल के फैसले के बाद कुछ लोग अपने आप ही रेलवे स्टेशन की तरफ आने लगे हैं। यह रेलवे के लिए बड़ी समस्या है क्योंकि कहां के लिए ट्रेन चलेगी इस बारे में फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। राज्य सरकार की तरफ से जैसा निर्देश आएगा उसी के अनुरूप गाड़ियां चलेंगी। दोस्तों रेलवे के अधिकारी का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी, फंसे पर्यटक रेलवे स्टेशन आने से पहले अपने राज्य के रेजिडेंस कमिश्नर के ऑफिस में फोन करके पता कर लें। प्रवासियों ने यदि वहां अभी तक पंजीकरण नहीं कराया हो तो पंजीकरण भी करवा लें ताकि इसी आधार पर गाड़ियाँ चलाई जा सके। दोस्तों बिहार सरकार के राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए नोडल अधिकारियों की एक सूची जारी की है। इस सूची में उनका टेलीफोन नंबर दिया गया है, जहाँ भी जो भी प्रवासी फंसे हैं वो पहले इन अधिकारियों से संपर्क करें, उसके बाद ही स्टेशन जाने का फैसला करें। तो दोस्तों हम इन अधिकारियों के नंबर आपको दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये जो है कि कहाँ आप किस प्रदेश में हैं तो किस अधिकारी से संपर्क करना है, उसका मोबाइल नंबर दिया गया है। दोस्तों नोडल ऑफिसर जो हैं वो बिहार ने नियुक्त कर दिए हैं और उनके मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ये सारे जो है कि प्रदेश हैं जहाँ के अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। तो दोस्तों आप इन नंबरों को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी को दोस्तों लोगों तक शेयर करें। बिहार के जो भी मजदूर हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, वो अपने अधिकारियों से संपर्क करके अपने जाने की स्थिति का पता कर सकते हैं। दोस्तों बिहार के जितने भी मजदूर हैं अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार ने नंबर जारी कर दिया है। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आप कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे। दोस्तों आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि आपको अब घर जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, कोरोना से संबंधित जो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है इसका भरपूर पालन करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।